आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छे पांच कौन से टेक्निकल हैं, कौन सी स्प्रे हैं, कौन सी दवाइयां हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं वाइट फ्लाई के प्रकोप से, जिनमें सबसे सस्ता कीटनाशक भी है, सबसे महंगा कीटनाशक भी है, स्टार्टिंग में हम कौन सा कीटनाशक अपने खेत में डालें और बिल्कुल अंतिम स्टेज पर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अंतिम हथियार के रूप में, आखिरी इलाज के रूप में कौन से इंसेक्टिसाइड का, कीटनाशक का स्प्रे करें, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कीटनाशक है असिटामिप्रिड 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर और पुराना टेक्निकल है ये। स्टार्टिंग में, शुरुआती अवस्था में जब सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, कम संख्या में होती है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है यानी कि इस स्प्रे के जो भी कॉन्टैक्ट में मच्छर आता है तो वो तुरंत ही मर जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट तरीके से ये काम करती है। इसकी डोज रहती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका रेट है 950 रुपये प्रति एक किलोग्राम के हिसाब से। तो इसका रेट ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-30 रुपये 50 रुपये तक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका रेट यही होता है 950 रुपये यानी कि 950 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। दोस्तों इससे अगला जो टेक्निकल है फ्लोनिकामिड 50% WG फॉर्मुलेशन में आता है, जिसको आप UPL कंपनी की उलाला के नाम से जानते हैं, दूसरी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। ये वाइट फ्लाई के साथ साथ थ्रिप्स और हरा तेला के ऊपर भी अच्छा कंट्रोल करता है। तो ये तीन प्रकार के इंसेक्ट को मारता है, ये इसका बेनिफिट है, यानी कि एक ही दवाई से आप तीन प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी डोज रहती है 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं एक एकड़ में। और इसके रेट की और कॉस्ट की बात करें तो 600 से लेकर 800 रुपये तक एक एकड़ का इसका खर्च आता है। इससे अगला जो टेक्निकल है पायरीप्रोक्सीफेन 10% इसी फॉर्मुलेशन में ये आता है। आप इसको लेनो के नाम से जानते हैं, सुमिटोमो कंपनी का काफ़ी फेमस ब्रांड है लेनो, जिसमें ये टेक्निकल पाया जाता है। अदर कंपनियों का अलग अलग नाम से ये ब्रांड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है, जो सफ़ेद मक्खी है उसकी प्रजनन शक्ति को ये कम करता है, बाधित करता है। इसकी स्प्रे करने के बाद में सफ़ेद मक्खी अंडे नहीं दे पाती, तो जाहिर सी बात है वो अंडे नहीं देगी तो एक समय के बाद में वो उसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा, वो मर जाएगी, और अंडे नहीं देगी तो आगे इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, संख्या इनकी कम हो जाएगी। और फसल की पत्तियों के नीचे, पौधे की पत्तियों के नीचे जो अंडे दे रखे हैं उन अंडों को भी ये मार देती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे काम करती है। आप ये ना सोचें कि इसको करने के 2-4-5 दिनों तक आपको वाइट फ्लाई उड़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन वो अंडे नहीं दे सकती, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही मर जाती है, ऐसे ये काम करती है। इसकी डोज रहती है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके रेट की बात करें तो 1070 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसका रेट रहता है। और यदि आप इसके अलावा यानी कि सुमिटोमो कंपनी की लेनो के अलावा दूसरी कंपनियों का ये साल्ट लेते हैं, ये टेक्निकल खरीदते हैं, तो लोकल कंपनियों का ये टेक्निकल 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 500 रुपये से 700, 800, 900 रुपये तक भी आपको ये टेक्निकल मिल सकता है दूसरी कंपनियों का। तो दोस्तों इसके अलावा जो डाइफेंथ्यूरोन 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है, ये सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे खतरनाक टेक्निकल है। अंतिम हथियार के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ये जब सफ़ेद मक्खी इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो तुरंत प्रभाव से उसको मार देता है और अच्छी प्रकार से सफ़ेद मक्खी के ऊपर नियंत्रण देता है। इसको डाइफेंथ्यूरोन को आप पोलो के नाम से जानते हैं, पोलो सिजेंटा कंपनी का एक फेमस ब्रांड है डाइफेंथ्यूरोन के मामले में। इसकी डोज रहती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका रेट रहता है 2450 यानी कि 2450 रुपये प्रति एक किलोग्राम के हिसाब से। और यदि आप सिजेंटा के, पोलो के अलावा दूसरी कंपनियों का ये टेक्निकल लेते हैं तो लोकल ब्रांड आपको 1400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी कीमत काफ़ी कम रहती है, तो आप लोकल ब्रांड की तरफ भी जा सकते हैं। सेम चीज़ है, सेम
टेक्निकल होती है सेम आपको रिजल्ट मिलता है। ब्रांड की अपनी एक फेस वैल्यू होती है, उसकी अपनी एक ब्रांड की कीमत होती है, तो इसके अंदर यही डिफरेंस होता है, इसलिए रेट में फर्क होता है। अंतिम अवस्था यानी कि लास्ट स्टेज के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरुआती अवस्था में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये हैवी इंसेक्टिसाइड होते हैं और हैवी इंसेक्टिसाइड फसल की बढ़वार को कम करते हैं, उसमें पकेवा लेकर आते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अंतिम अवस्था में करें, जब आपको लगता है कि इस वाइट फ्लाई कंट्रोल होनी अब मुश्किल है, इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करके सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को कम कर सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि डाइफेंथ्यूरोन जो है वो आँखों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इससे स्प्रे करने वाले जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, तो इसको हेलमेट वगैरह पहनकर, चश्मा वगैरह पहनकर ही इस्तेमाल करें। इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी बार देखी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो डाइफेंथ्यूरोन है और पायरीप्रोक्सीफेन है, इन दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत सारी कंपनियों ने निकाल दिया है, और इनका जो फेमस जो कम्बिनेशन जो आता है, जो ब्रांड है, वो GPS कंपनी का SLR 525 का आपने नाम सुना होगा। तो SLR 525 के अंदर डाइफेंथ्यूरोन 25% होता है और पायरीप्रोक्सीफेन 5% SE फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। तो लास्ट की जो दो कीटनाशकों के बारे में हमने बात करी, उन दोनों का कम्बिनेशन आता है, वे दोनों टेक्निकल इसमें एक साथ मिलते हैं, तो आप इसका लास्ट में उपयोग कर सकते हैं। सबसे खतरनाक है वाइट फ्लाई के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए, अंतिम हथियार के रूप में, आखिरी इलाज के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। इसका रेट की यदि हम बात करें, तो इसका रेट रहता है 1650 रुपये से लेकर 1670 रुपये के आसपास प्रति लीटर के हिसाब से। दूसरी कंपनियों का रेट आपको अलग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ब्रांड होता है, उनकी फेस वैल्यू होती है, तो उनका रेट भी कम ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों टेक्निकल का जो कम्बिनेशन है, इनका उपयोग लास्ट में कर सकते हैं। किसान भाई, जो बारिश के समय में हमारी फसलों पर सफेद मक्खी का यानी कि व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इसका कारण यह है कि ये जो बादलवाई और उमस भरा जो मौसम है, ये सफ़ेद मक्खी के प्रजनन के लिए अनुकूलित समय है, उसकी लाइफ साइकिल के लिए बिल्कुल अनुकूलित मौसम है। तो ऐसी सिचुएशन में सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलों के ऊपर अंडे देती है और उसका अटैक बढ़ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के इंसेक्टिसाइड हैं जो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उपयोग कर सकते हैं। कौन सा सबसे सस्ता है, कौन सा सबसे महंगा है, सबसे हेवी है, कौन सा नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी के लिए आप डियर किसान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।